क्या नाम है आपका? अजीत मरकाने। और आपका? राजेश दामले। क्या घटना हुई थी यहाँ पे? सर अचानक ही कुआं खस गया। कितने बजे की बात होगी? करीबन सर 10 बजे। कैसे, क्या हुआ था? बस सर जस्ट आए हम और वो दो लोग नीचे उतरे, मैं भी नीचे उतर रहा था तो कुएं वाले मालिक से बात करने लगा मैं, अचानक फिर वो खस गया। तो मिट्टी धसी, क्या हुआ? पूरा ये साथ में सर वो कंक्रीट कहीं चला गया। कितने लोग अंदर थे? दो लोग थे सर। दो लोग थे, क्या नाम उनके? सुरेश और संदीप सर। कहाँ के है वो लोग? घाट अमरावती। घाट अमरावती के। क्या उम्र होगी उनकी? सर एक की होगी सर 34 साल और एक की करीब 55 या 45। तो ये कुएं का काम आप कब से यहाँ पे कर रहे थे? मतलब आज ही से आप लोग काम चालू कर रहे थे। तो ये कुआ क्या पहले से मतलब था, इसको आप गहराकरण क्या कर रहे थे? सर पहले बनाई किया था इसका। ये बनाई किन्ने किया था? बनाई हमने आमूरी वाले अंकल थे राजकुमार भैया, उन्होंने किया था। अच्छा अच्छा, तो ये बनाई होने के बाद फिर इसका क्या आप उसको साफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? साफ कर रहे थे। साफ करने के लिए उतरे थे। चलिए, तो अभी क्या स्थिति है, कितना फीट गहरा कुआ है ये? अभी सर टोटल होगा 33-34 फीट। 33-34। कितना धस चुका था ये आज? मतलब 17-18 हफ्ते करीबन धस चुका था। चलिए, तो क्या उम्मीद है अभी आपको कि क्या लगता है? सर अब देखिए ऊपर वाले के हाथ में। चलिए ठीक है। सूचना पर जेसीबी और पोकलैंड को बुलाया गया, यहाँ लोकल अपने लोकल मदद ली गई है और जेसीबी और पोकलैंड से खुदाई चल रही है जिससे कि ऊपर का मलबा हटाने में हमको मदद मिल सके और मलबा हटा के उनको सुरक्षित निकाला जा सके। सर कितना गहरा कुआं है अभी? वैसा बताता रहे कि 40-50 फीट के आसपास तो कुआं है, गहरा हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि कितना समय लगता है। चलिए।